वेलकम टू बनारसी भोज। आज हम बनाएंगे सभी के फेवरेट खस्ता करारे मुरमुरे के लड्डू। मुरमुरे के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। अगर आप हमारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो लड्डू बहुत ही आसानी से बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट भी रहेंगे। सबसे पहले हम अपनी फरवी या मुरमुरा उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे, जिससे कि वो और खस्ता और करारे हो जाएं। मुरमुरे को अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब हम अपनी गुड़ की चाशनी बनाते हैं। इसके लिए 2 चम्मच पानी डालें और गुड़ को तोड़ के हाथ से ही डाल दें। चिक्की या लड्डू बनाने के लिए जब हम गुड़ लें मार्केट से, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लड्डू वाले गुड़ थोड़े सॉफ्ट होते हैं और कलर में डार्क होते हैं। इससे लड्डू हमारे कड़े नहीं होंगे और इजीली बंद भी जाते हैं। मुरमुरे के लड्डू बनाने के समय हमने 1 कप लिया, उसी कप से हमने 3 कप मुरमुरा और 1 कप गुड़ को यूज़ किया है। इससे मीठे का बैलेंस बिल्कुल सही रहता है और आसानी से लड्डू बंद भी जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने चाशनी में 1 चम्मच घी भी डाली है। घी डालने से लड्डू में जो शाइन आती है वो आ जाती है। घी हमने बस आधा टीस्पून ही डाला है केवल शाइन के लिए। बाजार के लड्डू में जैसे शाइन रहती है वो इससे आ जाएगी और खाने में घर के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और इसमें बबल्स बन रहे हैं। कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे कि लड्डू अभी बनेंगे कि नहीं। आप एक पानी लीजिए और उसमें अपने गुड़ को डालिए। अगर गुड़ पानी में मेल्ट नहीं होता है, इसका मतलब है तैयार है। चाशनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, वरना लड्डू कड़े हो जाएंगे और अगर चाशनी कम पकी रहेगी तो लड्डू हमारे नहीं बन पाएंगे। इसके बाद हम अपनी चाशनी को एक बार छान लेते हैं, जिससे कि गुड़ के अंदर कुछ गंदा अगर हो तो वो निकल जाए। घर के लड्डू इसीलिए बहुत स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि उसमें कोई गंदगी नहीं होती है और सॉफ्ट होते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी अब बिल्कुल तैयार है और गरम गरम ही इस चाशनी को हम अपने मुरमुरे में मिलाएंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप गुड़ का रेशियो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये काम बहुत जल्दी करना पड़ता है। अगर हमारा चाशनी ठंडा हो जाए तो लड्डू नहीं बनता है। और हल्के हाथों से दबाते हुए हम लड्डू को बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी या पानी आप लगा सकते हैं, बहुत गर्म होता है। आप चाहें तो 2 बूंद पानी भी हाथ में लगा सकते हैं, हाथ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है इससे। यहाँ हमने हाथ में घी लगा के अपने लड्डुओं को बनाया है और आप देख सकते हैं कि लड्डू पे बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इस सर्दियों में ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।